तो जनाब सुबह तो नहीं है, आफ्टरनून है, 12:20 हो गए हैं और मैं जा रहा हूँ इस वक्त बैंक, कुछ पेमेंट करनी है। पेमेंट किस चीज़ की करनी है? ओह माय गॉड, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया यार, हद है। क्या सरप्राइज मिला है यार। चले जनाब, लेट्स स्टॉप एंड पुट इट ऑन रिजर्व। क्यों रिजर्व लगा दिए? पेट्रोल ख़त्म हो गया। कुछ सेकंड वेट करते हैं ताकि पेट्रोल जाए, कार्बोरेटर तक पहुंच जाए, देन स्टार्ट करते हैं। इस तरह जब पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर थोड़ा टाइम लगता है कार्बोरेटर को फिल होने में। अभी भी नहीं हो रही। ऑन भी किया, रिजर्व पे ओके। चल भाई हो जा स्टार्ट, क्या सुबह सुबह रोक दिए मुझे रास्ते में। ओह तो जी हो गई बाइक स्टार्ट, अब हम आ गए रिजर्व पे। तो जो ट्रिप मीटर है उसको ज़ीरो कर दें ताकि पता चले कि ये ना बिल्कुल ख़त्म हो और रास्ते पे खड़े हो जाएं। रात बारिश हुई है अचानक, कोई एक्सपेक्टेड नहीं थी, वेदर फोरकास्ट मैंने देखी थी, देर वॉज़ नो रेन, लेकिन अचानक ही बादल है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के और फिट सी बारिश हुई है। लेकिन अभी सुबह सुबह फिर जो है सूरज आग बरसा रहा है। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, कुछ पेमेंट करनी थी तो बैंक तक जा रहा हूँ। पेमेंट किस चीज़ की करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमेशा मैं जो भी कोई एसेसरीज़ मैंने परचेज़ करनी होती हैं बाइक की या बाइक से रिलेटेड या कुछ भी, तो यूजुअली मैं gearbest.com या अली एक्सप्रेस, दोनों चाइनीज़ सेलर हैं, मैं वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ। मुझे कभी क्वालिटी पे कोई इशू नहीं आया, हर चीज़ मुझे अच्छे रेट्स पे मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है, कभी कोई डिलीवरी में भी इशू नहीं आया। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अली एक्सप्रेस से कैसे चीज़ें मंगवाते हैं, तो कि उसमें पेमेंट का फ्रॉड का चक्कर होता है या ये वो, तो ऐसा मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ें टाइम पे आ जाती हैं, कभी कभी 15 days में आ जाती, कभी कभी 20-25 days भी लग जाते हैं, लेकिन चीज़ें आपको पहुंच जाती हैं। तो कुछ दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया था फेसबुक पेज पे मेरे, क्लच एंड शिफ्ट द ट्रैवलर पे, और एक भाई हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो उन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने बताया था कि जो है वो कैमरा एसेसरीज़, गोप्रो की माउंट्स और बैटरीज, चार्जर और इसके अलावा भी इस तरह की जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो सेल करते हैं, तो अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे लें। तो अभी मुझे जो मेरा कैमरे का जो ड्यूल चार्जर था बैटरी चार्ज करने के लिए, हुआ ये कि वो अभी जब लास्ट टाइम मैं तलहाड़ गया तो लगा हुआ था, यहाँ टैंक बैग पे था और चार्ज हो रही थी बैटरीज, तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो शायद मैंने उसको टैंक बैग की ज़िप को बंद नहीं किया, क्लोज़ नहीं किया, और वो उन जंप और झटके थे वहाँ ज़्यादा, तो वहीं कहीं पे वो गिर गया है। बैटरी भी एक चली गई और वो चार्जर भी गया, तो अब मुझे चाहिए था, तो मुझे फिर अचानक याद है, मैंने कहा उस बंदे ने मुझे मैसेज किया था तो क्यों ना वहाँ से पता कर लूँ, क्योंकि अभी अली एक्सप्रेस से आने में मुझे 20 days वेट करना पड़ेगा, तो अभी मेरे पास चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जब चार्ज करता हूँ एक ही बैटरी है, तो वो मुझे कैमरे के अंदर डाल के चार्ज पे लगानी पड़ती है, उससे वो काफ़ी टाइम लेता है चार्ज होने में। आई कॉन्टेक्टेड हिम, चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं, तो भाई ने मुझे कल शाम को शिप कर दी हैं, तो मैंने उनको पेमेंट करनी थी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी, तो कल तो मैं कर नहीं सका, तो अभी इसलिए मैंने कहा चलो यार आज ये काम ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें मुझे आज रिसीव हो जानी है। चीज़ें मैं देखूंगा कि किस तरह की हैं, क्वालिटी वाइज कैसी हैं, सारा कुछ मैं देखूंगा। उन्होंने भी तो चाइना से अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कराई हैं बल्क में, तो अच्छी होंगी, लेकिन मैं एक बार उनको यूज़ कर लूँ, रिलायबल है नहीं है, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर उस बंदे का और नाम वगैरह भी शेयर करूँगा, ताकि अगर किसी ने चीज़ लेनी हो तो नाउ द थिंग्स आर अवेलेबल हियर।
तो जना मैं पहुंच गया बैंक। यस, मिज़ान बैंक का अकाउंट दिया था उन्होंने। इधर आगे पार्क करते हैं, थोड़ा सा सेफ हो जाएगी बाइक। यहाँ पे पार्क करते हैं। तो जना मैं आ गया मिज़ान बैंक। चले मैं आप पेमेंट करता हूँ, और आज की वीडियो बस इतनी ही। तो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी, मैं उसका रिव्यू भी दूंगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, ताकि अगर किसी ने कोई चीज़ें लेनी हो तो यू गाइस कैन बाय द एक्सेसरीज फ्रॉम हेयर इन पाकिस्तान। सो सी यू। तो जनाब पार्सल मुझे रिसीव हो गया है, लिपर्ट कोरियर सर्विस के थ्रू आया है फैसलाबाद से इस्लामाबाद। कल रात को जो है शिप हुआ था वहाँ से, और आज मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया है। तो इसी पार्सल की जो है सुबह मैं पेमेंट करने बैंक गया था। तो चले इसको ओपन करते हैं, और इस पार्सल के अंदर एक ड्यूअल चार्जर है, एक सिंगल चार्जर है, 3 एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, और एक जो है यूएसबी केबल है। तो चलो चेक करते हैं। ओके जनाब, ये चार्जर, ड्यूअल चार्जर है, दिस इज़ यूएसबी केबल, और ये सिंगल चार्जर है, और ये रही जनाब 3 एक्स्ट्रा बैटरीज। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई हैं। तो अभी मैं इनको यूज़ करूँगा, देखने में अच्छी लग रही हैं, यूज़ करूँगा मैं इनको, और फिर मैं इनका रिव्यू दूँगा, और तभी मैं जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूँगा कि मैंने कहाँ से मंगवाई हैं, ताकि आप लोगों को अगर कुछ मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जाते जाते यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जो है वो लिंक आ रहा है, फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज अपडेट आती रहती हैं रिलेटेड टू टूरिंग्स। और इसके अलावा चैनल भी सब्सक्राइब करो यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो यार। ओके।